हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग होंगे बहुत बढ़िया। आप लोग जिस चीज़ का इंतजार करते हैं उसका रिव्यू के बारे में ठूक पीट के सब बताया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो गाइस चलिए पहले फ्रेंड से बात कर लेते हैं। फ्रेंड बॉडी कैसी है? मतलब ये भी हार्ड प्लास्टिक है और ये थोड़ा सा हार्ड क्वालिटी का है, उससे भी ज़्यादा हार्ड क्वालिटी का जो ऊपर है, और ये भी हार्ड प्लास्टिक है। सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है और यहाँ पे पन्नी हमें हटानी है। पन्नी हमने एक्चुअली हटाई नहीं है लेकिन पन्नी हटानी है क्योंकि ये एक मेजर रीज़न बन सकती है हीटिंग का। और ये तो बिल्कुल ही गाइस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी लग रही है, देखिए। और पैनल आपकी बात कर लेते हैं तो देखिए कितने पैनल गए आपसे, आप देख सकते होंगे क्लियरली इतना पैनल गैप होना, मतलब क्या रीज़न है समझ नहीं आ रहा मुझे, बट ठीक है चलिए। और ये नीचे का जो इनका एरिया है ठीक है, ये भी चलिए। अब पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल साइड लुक, साइड से कुछ ऐसी दिखती है और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। चलिए अब गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर में क्या क्या है। तो इंटीरियर में कुछ नहीं है, यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है छोटा सा सामान रखने के लिए, और यहाँ पे एक स्पीकर ये दिया है, दो स्पीकर दिए हुए हैं। आप जो भी लोग पूछ रहे थे कि इसमें एक ही स्पीकर है, तो इसमें एक स्पीकर नहीं है, दो स्पीकर दिए हुए हैं। यहाँ पे टोइंग हुक दिया हुआ है पूरा। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, जो जो क्वेश्चन है आपके उसके भी डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और डिग्गी की बात कर लेते हैं तो वो भी आपको खोल के दिखाएंगे, 34 लीटर का बूट स्पेस आता है। अब इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, अगर आप बात कर लेते हैं इसकी ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ है इसकी 1860 mm, और जो इसकी विड्थ है पीछे से आप देख सकते हैं 850 mm की है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस है इसका व्हील बेस है जो यहाँ से यहाँ तक आता है वो 1358 mm का है, और इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो है 1298 mm, मतलब जो टॉप से यहाँ से हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक पूरी जो है इतनी हाइट है दी गई है। तो चलिए जल्दी से आप इसको खोल लेते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। बट इससे पहले चलिए बूथ की बात कर लेते हैं। सो 2000 years later बूट हमें मिल जाता है इसमें 34 लीटर का, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे ये यहाँ पर म्यूजिक थोड़ा सा प्रोड्यूस करती है ताकि आपको फील अच्छा आए। सो जो यहाँ पे आप पहले बूट खोल लेते हैं, तो बूट खुल चुका है और यह बूट देख सकते हैं 34 लीटर का है। यहाँ पे चार्जर आ जाता है, आपका हाफ साइज हेलमेट आ जाता है, और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे यहाँ के दो हाफ साइज हेलमेट आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। और यहाँ पे एसेसरी के नाम पर बात करें तो ये छोटी मोटी एसेसरीज दी हुई हैं टूल किट। और यहाँ पे चार्जिंग का गाइस मुझे कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है कि चार्जिंग पोर्ट कुछ भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो वैसे भी नहीं मिलता है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं दिया हुआ है। तो चलिए यह ख़त्म होती बात बूट की, वैसे बूट की बात हो चुकी है। और यहाँ पे एक चाइम बज जाती है आपका बूट खुलता है और बंद होता है, और ये जो इसका फ्यूल लिड है ये मैंने आपको बताया, ये दिक्कत है गाइस, क्योंकि अगर कभी वाटर होता है बारिश होती है तो मैं अभी गारंटी से नहीं कह सकता, मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट जब भी मैं टेस्ट करूँगा उसका शॉर्ट्स डाल दूंगा, तो आप फॉलो कर लीजिए ऑटोमोबाइल को। चलिए ये बात हो गई है, और पीछे ये देखते हैं आप, ये दिया हुआ है ताकि दूर से लोग दिख जाए, और थोड़ा सा ये हेम दिया हुआ है। तो चलिए आप चलते हैं यहाँ पे। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्क मोड पे दिखा रहा है इस समय, और ये बंद हो चुका है, तो मैं फिर से इसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। प्रेस कर लेना है यहाँ पे आके, तो जिससे क्या होगा वो खुल जाएगा। और पासवर्ड आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है, ये एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता है आप सभी लोग के लिए, तो उसकी चिंता मत लीजिए आप। दोबारा से खुल चुकी है और यहाँ पे 71% बैटरी है, अभी इसे मैं चार्ज करूँगा, और इसका कल मैं एक ट्रू रेंज रिव्यू लाऊंगा, यानी जिस वीडियो के बाद जो भी वीडियो देखेंगे उसमें इसका ट्रू रेंज दिया जाएगा, रिव्यू दिया जाएगा। और यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पे आप स्टैंड का अलर्ट देख सकते हैं, साइड स्टैंड अलर्ट भी दिया हुआ है, और अभी ये 120 किलोमीटर की ऑल टाइम रेंज दिखा रही है, तो उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। और यहाँ पे ब्लूटूथ कंट्रोल का स्टिकर दिया हुआ है, अभी मैं इसका गाना भी सुनाऊंगा आपको कनेक्ट करके। फिर मैंने सॉस मिला दिया है, और यहाँ पे मैं आप देखिए नेविगेशन दिया है, होम दिया है, और उसके साथ में आपको मिल जाता है सेटिंग्स में आपको मिल जाती है ब्राइटनेस का काम ज़्यादा करने का। और इसमें एक अच्छी बात भी है, यह सेंसर लगा हुआ ऑटो सेंस कर लेता है रात में कौन सा मोड होना चाहिए और दिन में कौन सा होना चाहिए, नाइट या डे। और साउंड सेटिंग्स की बात कर लेते हैं, साउंड सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या है। साउंड सेटिंग्स में थोड़े डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में लाइट आता है जो लगा हुआ है, डार्क आता है, जो डार्क ऐसे लग जाएगा ये डार्क मोड, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और ब्राइटनेस की बात कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक सर ये देखिए डिम या लाइट हो जाती है। ब्लूटूथ दिया हुआ है, ऐसे आप अपने मीडिया एंड कंट्रोल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, वाईफाई साउंड्स, तो ये साउंड्स दिया हुआ है, अभी कुछ उनको दिखा तो नहीं रहा है, वॉल्यूम फुल कर देता हूँ। और सिस्टम साउंड की बात कर लेते हैं, अब ये बहुत तेज चाइम करेगा जब भी कोई मैं पार्किंग मोड को लगाऊंगा इसमें दिखा। और मूड साउंड भी दिया हुआ है, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं स्कूटर में आपको एक लोकल वाइब देता है, जैसे आप रियल स्कूटर चला रहे हैं, बट ऐसा आप बिल्कुल फील नहीं कर पाएंगे, तो इसे भी तेज कर लेते हैं। तो सब कुछ फुल कर लिया, लाइट्स की बात कर लेते हैं, सेफ्टी लाइट्स हैं, जब आपको
चलती गाड़ी में तो बिल्कुल नहीं चलाना है उसे, जब गाड़ी आपकी रुकी हुई तभी चलाना है। एक बार दिखा देता हूँ आपको साइड से, तो अभी इसे स्टॉप कर देते हैं हम। और राइडिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लो, डिफॉल्ट एंड हाई करके रीजनरेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। गाइस मैंने यहाँ पे कस्टमर सर्विस में मतलब जहाँ पूछा था तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कि इन्होंने बोला था कि ये ऑटोमेटिक सजेस्ट हो जाता है कौन से रेंज में जाना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है लो होना चाहिए या डिफॉल्ट होना चाहिए या हाई होना चाहिए, इससे आपकी रेंज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। आप और अभी रेंज की बात करेंगे, पर बैटरी बजाते हैं। यहाँ पे वैकेशन मोड भी दिया हुआ है, चूज़ कंजर्व यू स्कूटर बैटरी वाइल यू आर अवे, मतलब आप दूर रहेंगे तो आपकी स्कूटर की बैटरी जो है वो डाउन नहीं होगी। और यहाँ पे पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका पहले का पासवर्ड है वो डालिए, फिर न्यू पासवर्ड डालिए, और पासवर्ड किसी साथ शेयर मत करिए। और डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, सिस्टम अपडेट्स आते रहेंगे, ओटी अपडेट का वादा तो है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न अबाउट मूव ओएस 3, जो कि मैंने इस वेबसाइट अभी हाल ही में विजिट किया था तो वहाँ पे भी मुझे दिखा रहा था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी देखिए गाड़ी कम से कम 120 किलोमीटर चल चुकी है, ज़्यादा नहीं चली है, और इसका कल हम करने वाले हैं ट्रू रेंज, तो उसमें ज़्यादा चल जाएगी गाड़ी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके ऑल सेटिंग्स में जाके क्या क्या दिया हुआ है। ऑल सेटिंग्स सेम ये चीज़ें दी हुई हैं, सो बाकी तो हो ही गया है सेटिंग्स। म्यूज़िक आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ अभी। और होम पे फिर से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे इसको टैप कर रहेंगे तो चूज़ करने का ऑप्शन आता है आपको कौन सा वो चूज़ करना है, विंटेज एक्लिप्स। ये गाइस बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, ऐसा लगता है कि आप सही में मून की फील ले रहे हैं। और ये विंटेज वाला है, ये तो एकदम गाइस आपको प्रीमियम फील देता है कि हाँ आप ही हैं एकदम। और इसको चूज़ करने के लिए आपको अप्लाई का ऑप्शन देना पड़ता है, जैसे चूज़ आता है देखिए चूज़ हो चुका है। और स्पीकर्स की क्वालिटी तो मुझे अच्छी लग रही है, फिलहाल मैं टेस्ट करा देता हूँ। अब टाइम हो रहा है 4:20 और मैं यहाँ पे भारी धूप में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो आप यहाँ से देखा आपने ये सर्च कर सकते हैं। चलिए जल्दी से म्यूजिक टेस्ट आते हैं इसका आपको, के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ में स्कैन खोला हुआ है और स्कूटर म्यूजिक आ चुका है, इसे जल्दी से पेयर करते हैं। मैसेज आ चुका है, थोड़ा सा ये अजीब टाइप का मैसेज है बट ठीक है। सो अब हम इसे सेट कर रहे हैं और ये पेयरिंग मोड पर जा रही है, और यहाँ से देख सकते हैं आप एंड हो चुकी है गाड़ी पूरी मेरी। और अब हम चलिए फ़ोन को करते हैं साइड में और जल्दी से आपको गाना सुनाते हैं। तो यहाँ पे कोड एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर लिया कोड, और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है। चलिए आप गाना प्ले करके देखते हैं कितनी अच्छी आवाज़ में आता है। सो मैं कॉपीराइट सॉन्ग तो नहीं बजाऊंगा, मैं नो कॉपीराइट सॉन्ग बजाऊंगा, क्योंकि आ जाएगा तो मुझे ऑडियो काटना पड़ेगा पूरा पूरा। देख सकते हैं हमने नो कॉपीराइट सॉन्ग बजा दिया है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। अच्छा खासा आवाज़ आ रही है और खुले साउंड में मैं बजा रहा हूँ ताकि आप लोग को पूरी प्योर आवाज़ दे सकूँ। राइट साइड से ज़्यादा आ रही है और लेफ्ट साइड से ठीक ठाक आ रही है, मतलब दोनों का इक्वल है। सो कैसा लगा आपको साउंड टेस्ट, अभी बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अब सीधे बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, कोई मजाक नहीं सब। गाइस ये नीचे का एरिया तो बहुत ही हल्का है, ये देखिए आप पूरा पूरा दब रहा है, ये देखिए आप एक हाथ से दब रहा है, ये देखिए ऊपर का भी बहुत ही हल्का है। गाइस एक बार में गाड़ी गिरती है तो समझ लीजिए क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और हार्डली ज़्यादा मोस्ट ऑफ एरिया क्रैश हो जाएगा गाड़ी का, मुझे यहाँ तक लगता है। तो मैं आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में यही सजेशन दे सकता हूँ। नीचे की बात करते हैं फ्लैट बुक की, इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बोर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी मैट्स तो नहीं दिए हुए हैं, बस यही मैट्स लग रहे हैं मुझे। आप एक्स्ट्रा मैट्स लगवा सकते हैं लाइट से, और एसेसरीज इसकी सारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। और ये देखिए फुट ट्रस्ट, यहाँ पे बात करते हैं, ये भी अच्छी है, थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेटल वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप व्हील के अंदर ही जो क्या कहते हैं उसको मोटर लगी होती है, हाफ मोटर, ये वो मोटर है। यहाँ पे 3 किलोवाट की, 2.6 किलोवाट की और 6 किलोवाट की बैटरी वो मोटर आती है, जो जिससे आपको एक अच्छी रेंज प्रोवाइड हो जाती है। आप रेंज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप जो इको मोड रेंज आती है ट्रू रेंज, वो आपको 125 की क्लेम की गई है कंपनी की तरफ से, उसका मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कल जो टेस्ट करके रेंज बताऊंगा वही आपको मैं एक स्पेसिफिक रेंज बता पाऊंगा, क्योंकि जो भी रेंज है। और जो उसकी नॉर्मल मोड में रेंज आती है वो थोड़ी इससे और कम हो जाती है, वो आती है आपकी लगभग लगभग 100 किलोमीटर की, तो समझ लीजिए आपकी 150 किलोमीटर की इसकी बैटरी बैकअप है, तो उसमें से आपका चल जाएगा हार्डली 100 किलोमीटर तक हार्डली चल जाएगा, तो उसकी चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि ई सी टी के हिसाब से स्कूटर बनाया गया है। और स्कूटर बनाया गया है तो मैं ये चीज़ देख रहा था, ये आप भी देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इन्होंने कवर लगा के रखा है, बट अभी अभी जस्ट हमने नोटिस किया वीडियो शूट करते हुए, ये देखिए आप इस साइड में गैप दिया हुआ है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो, ये देखिए आप यहाँ पे होल दिया हुआ है। अब मैं नहीं जानता किस रीज़न से दिया गया है, बट पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो मेरा जो बेसिकली एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, ऐसे ओला S1 एयर की डिलीवरी मैंने पहले ही लखनऊ में ली है, और ओला S1 एयर एक इनका फ्रेशली लॉन्च न्यू प्रोडक्ट है जो कि लखनऊ में अभी दिखा है, तो उस हिसाब से इनको अपनी तरफ से कुछ ऑफलाइन जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए, इनको कुछ एसेसरीज देनी चाहिए थी, मेरा अपना मानना है, बाकी आपका कुछ भी हो सकता है।
बट एक जो अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस होता है जो एक ऑफलाइन आप शुरू में जाके लेते हैं, बाइक है एक्टिवा या टीवीएस की जुपिटर कोई भी गाड़ी लेते हैं, जो आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस शायद इन्होंने थोड़ा सा मिस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे वीडियो के तहत इसे देख के अगर वो देख रहे होंगे तो इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप समझ रहे हैं फिर क्या रहे गाड़ी लेने का मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बेकार है। और अब हम इसको ड्राइव करेंगे, इसका ड्राइव रिव्यू आने वाला है समझ लीजिए आप कल, क्योंकि उसी में मैं टेस्ट करूंगा, उसी में आपको ड्राइव बताऊंगा, सस्पेंशन कैसे हैं इसके और हैंडलिंग ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग किस मोड पर कितना हार्डली ब्रेकिंग होती है और कितना रेंज देती है। और क्रूज कंट्रोल की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, सो ये क्रूज कंट्रोल मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कंपनी ने दिया तो हुआ है, लेकिन अभी तक कस्टमर सर्विस की तरफ से कुछ भी मुझे नहीं बताया गया क्रूज कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि जब मुझे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उन्होंने कुछ नहीं बताया था तो मैं क्रूज कंट्रोल का कैसे कर दूँगा। मैं खुद ही चेक करूंगा कि ये क्रूज मोड कंट्रोल के लिए है कि नहीं है। और हम लोगों ने एक प्रॉब्लम और भी फेस की है जो मैं आपको बताता हूँ, है जो इसकी रिंग लाइट है वो नहीं चल रही थी, तो उसका मुझे देखना है ये डीआरएल इसकी क्यों नहीं चल रही थी, सो भी मैं देखूंगा और ड्राइव रिव्यू में आपको बता दूंगा। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो, जैसी लगी हो नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपसे बता सकते हैं, और आपको और भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करते रहिए, मैं ईच ऑफ द क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ, बट जो नहीं हो पाते हैं मैं वैसे वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा और उसको भी सॉल्व करूंगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।